गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th। हमने चैप्टर सेकंड स्टार्ट कर रखा था। सेकंड में हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो चुकी थी। 2.3 के लिए सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट नेम है आज फंक्शन। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका फंक्शन। इसमें ही क्या है, देखो, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन कॉल्ड द फंक्शन। हम क्या कहेंगे फंक्शन को, वी स्टडी ए स्पेशल टाइप। वी स्टडी, हम पढ़ रहे हैं, वी स्टडी ए स्पेशल टाइप, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन कॉल्ड फंक्शन। स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, फंक्शन। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इन मैथमेटिक्स। यह मैथ का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। विजुअली फंक्शन, ए फंक्शन एज ए रूल विच प्रोड्यूस न्यू एलिमेंट आउट ऑफ सम गिवन एलिमेंट। देयर आर मैनी टर्म्स सच एज मैप और मैपिंग यूज टू डिनोटेड ए फंक्शन। कि हम फंक्शन से कुछ मैपिंग का करेंगे, कुछ ऐसे करेंगे। डेफिनेशन कर लेते हैं हम। डेफिनेशन मैथमेटिक करते पहले तो, ए रिलेशन एफ फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी इज सेड टू बी ए फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। देखो, इन्हें क्या कहा कि ए कोई एक ऐसा रिलेशन कि सेट ए का सेट बी के साथ फंक्शन कहलाएगा इफ एवरी एलिमेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, कि ए के सभी एलिमेंट हैज वन एंड ओनली वन इमेज, हैज वन एंड ओनली वन इमेज। इट्स इज ए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, कि बी के लिए वन और ओनली वन इमेज बनाए, वी कॉल दैट फंक्शन। अंडरस्टैंड? तो इसको याद रखने के लिए एक शॉर्ट फॉर्म बना लेते हैं, फिर आगे उसको एक्सप्लेन करेंगे डेफिनेशन में। ईच पर इमेज हैव यूनिक इमेज वी कॉल दैट फंक्शन। We call that function. लो भाई, बस इसे ही कर लेंगे। Each pre-image have unique image. We call that function. अब इनके बारे में एक बार देखें ध्यान से। Pre-image क्या होती है, image क्या है, और domain क्या है, range क्या है इनके। Domain और range को तो हमने पहले कर लिया था, लेकिन अब दोबारा बता रहा हूँ। ये है हमारा सेट ए, ये सेट बी। यहाँ फंक्शन बनाना है। सेट ए में एलिमेंट मान लिए मैंने ए बी सी डी टाइप के, यहाँ 1 2 3 4 5। जो ये ए बी सी डी हैं, इनको बोल देंगे हम प्री इमेज। और 1 2 3 4 का इन ईच एलिमेंट को हम बोल देंगे इमेज।
इमेज। इस कंप्लीट सेट का नाम है, इस कंप्लीट का डोमेन, इस कंप्लीट का नाम है कोडोमेन। और जैसे इसने कहा कि ए ने रिलेट किया वन के साथ, बी का रिलेट हो गया थ्री के साथ, सी का फोर के साथ और डी का फाइव के साथ, तो वन थ्री फोर फाइव ये हो गई रेंज, वन थ्री फोर फाइव ये हो गई आपकी रेंज, ये आपकी रेंज हो गई ए बी सी डी की। तो देखो ईच प्रीमेज, ये प्रीमेज है ना, प्रत्येक एक एक इमेज बनाए, जैसे ए वन बना रही है, बी बी थ्री बना रहा है, सी फोर बना रहा है, यहाँ मैंने ई मान लिया, ई ने कोई इमेज नहीं बनाई तो यह फंक्शन नहीं है, यह फंक्शन नहीं है, ई ने कोई इमेज नहीं बनाई तो यह फंक्शन नहीं है। तो ई के लिए एक इमेज होनी चाहिए, सपोज दैट यहाँ सिक्स है, तो इसने क्या कर दिया, डी ने इन दो के ऊपर इमेज बना दी, तो यहाँ पर क्या बोला था, यूनिक इमेज, तो डी की यहाँ क्या कितनी इमेज है, दो इमेज है, तो इट इज़ नॉट ए फंक्शन, फंक्शन के लिए एक यूनिक इमेज ही होनी चाहिए, तो मैंने यहाँ ई किया। अब देखो, अब कहोगे डी और ई की एक इमेज है, हाँ भाई डी की भी यूनिक है और ई की भी यूनिक है, चाहे वैल्यू सेम है हमें नहीं मतलब, बट इट इज़ ए फंक्शन, डी की सिंगल इमेज है, ई की भी सिंगल इमेज है, तो वी कॉल दैट फंक्शन, इसको हम फंक्शन बोलेंगे। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, कुछ हम इम्पोर्टेंट फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, सम फंक्शन एंड देयर ग्राफ्स, कुछ फंक्शन हैं और उनके ग्राफ देखेंगे। पहला है आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन फंक्शन, ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन। तो हमने वाई इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स, वाई को हम, y को है ना हम एफ एक्स भी लिख सकते हैं, तो y इज इक्वल टू एक्स या को हम या इज इक्वल टू एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, वी कॉल दैट आइडेंटिटी फंक्शन। तो फंक्शन की जो मैपिंग की हमें रियल टू रियल, मतलब इसकी डोमेन भी रियल नंबर है और रेंज भी रियल नंबर है। सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। देखो टेबल बना लेते हैं, एक्स वाई, एक्स में जीरो पुट किया तो वाई की वैल्यू भी जीरो, वन करोगे तो वन, टू करोगे तो टू, माइनस वन करोगे तो माइनस वन। तो देखो जो हमने वैल्यू पुट की है, जो डोमेन में आया वही रेंज में आ रहा है, तो इस फंक्शन का ग्राफ क्या हो जाएगा, जीरो पे जीरो दे रहा है, वन टू थ्री माइनस वन माइनस टू, एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, वन टू थ्री, ये वन वन टू टू माइनस वन वन, तो ये ग्राफ आपका बन जाएगा। इस फंक्शन को क्या बोलोगे, y इज इक्वल टू एक्स, आइडेंटिटी फंक्शन। तो इसकी डोमेन भी R है, मतलब सब कुछ वैल्यू पुट कर सकते हैं, डोमेन x एक्सिस की वैल्यू को हम डोमेन बोलेंगे, x एक्सिस पे जो भी वैल्यू हम मतलब जो फंक्शन में पुट कर सकते हैं वो डोमेन, जो वैल्यू आ रही है वो रेंज, तो डोमेन भी R है और रेंज भी R है। तो आइडेंटिटी फंक्शन में क्या होगा, डोमेन ऑफ R, डोमेन ऑफ फंक्शन f इज इक्वल टू R, रेंज ऑफ f इज इक्वल टू R, फंक्शन की रेंज भी R है और डोमेन भी। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, इस फंक्शन को हम आइडेंटिटी फंक्शन बोलेंगे। नेक्स्ट है कॉन्स्टेंट फंक्शन, देखो नाम से पता चल रहा है कॉन्स्टेंट, मतलब टस से मस न होना, अलग न होना। तो फंक्शन की जो मैपिंग वाली हमने आर टू आर, मतलब रियल टू रियल, y इज इक्वल टू हमारा क्या है, एफ एक्स कोई फंक्शन है, यहाँ पर कोई भी वैल्यू मान ली c, x बिलोंग्स टू r, x कहाँ r से आ रहा है, तो मतलब c मीन्स कोई भी कॉन्स्टेंट टर्म, जैसे c की वैल्यू, c को हम मान लेते हैं 2, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू टू। देखो x की वैल्यू, x कुछ भी पुट कर दो,
यहाँ जीरो पुट करोगे तो टू ही रहेगा, वन पुट करोगे तो भी टू रहेगा, तो टू पुट करो तो भी टू रहेगा, थ्री पुट करो तो भी टू रहेगा। तो मतलब कुछ भी पुट कर लो फंक्शन की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। इसको जीरो वन टू एक्स एक्सिस है ये, वाई एक्सिस, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, तो ये ऐसे ग्राफ बनाता रहेगा ऑलवेज। तो वी कॉल दैट कॉन्स्टेंट फंक्शन, मतलब ये स्ट्रेट लाइन बनी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन बनाएगी, कोई भी ग्राफ बनेगा एक्स एक्सिस के पैरेलल और स्ट्रेट लाइन जाएगी, तो वी कॉल दैट कॉन्स्टेंट फंक्शन, वह फंक्शन आपका कॉन्स्टेंट फंक्शन होगा। तो इसमें डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन में तो हम कुछ भी पुट कर सकते हैं यार, और रेंज क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू आ रही है से हर बार टू, मतलब जो सी है, मतलब कोई भी कांस्टेंट वैल्यू सी, जैसे इसमें टू लिया मैंने सी की वैल्यू, तो कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, कर सकते हो। नेक्स्ट है पॉलीनोमियल फंक्शन, थर्ड टाइप है आपकी पॉलीनोमियल फंक्शन, पॉलीनोमियल फंक्शन। ए फंक्शन, जो फंक्शन है एफ आर टू आर, मतलब डोमेन भी आर रेंज भी आर, इज सेड टू बी पॉलीनोमियल फंक्शन इफ फॉर ईच एक्स इन आर, कि प्रत्येक फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स कहाँ से है आर से, तो वाई इज इक्वल टू, हमने एफ एक्स कोई फंक्शन ले लिया, पॉलीनोमियल ए जीरो ए नॉट ए वन एक्स ए टू एक्स स्क्वायर, जनरल फॉर्म है ये पॉलीनोमियल की, ए थ्री एक्स क्यूब प्लस ए एन एक्स पावर एन, ये हो गया। वेहर एन इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, एन इज नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब एन इज नेचुरल नंबर, ए एन, ये सारे कहाँ से आ रहे हैं, ये कॉन्स्टेंट ए नो ए जीरो ए वन ए टू ए थ्री ए एन तक, ये सारे क्या हैं कॉन्स्टेंट टर्म हैं। देखो यहाँ पर कोफिशियंट दे रखे ना इनके, ये सारे कहाँ से आ रहे हैं रियल नंबर से, तो वी कॉल दैट पॉलीनोमियल फंक्शन। द फंक्शन, जैसे हमने कोई फंक्शन डिफाइन किया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस टू, वी कॉल दैट पॉलीनोमियल फंक्शन। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, इनका ग्राफ बनाना हम आगे सीखेंगे। अगला है रैशनल फंक्शन, फोर्थ टाइप आ जाती है आपकी रैशनल फंक्शन। फोर्थ टाइप है रैशनल फंक्शन, कोई फंक्शन की फॉर्म है एफ एक्स बाई जी एक्स टाइप से, जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, एफ एक्स एंड जी एक्स आर पॉलीनोमियल, एफ एक्स एंड जी एक्स आर पॉलीनोमियल फंक्शन, ठीक है, एक्स डिफाइंड, एक्स डिफाइंड इन ए डोमेन, एक्स कहाँ डिफाइन करेगी, डोमेन में करेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे पॉलीनोमियल, सॉरी रैशनल फंक्शन, क्या बोलेंगे भाई रैशनल फंक्शन। जैसे एक फंक्शन बनाते हैं, मैंने बना दिया एफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस फाइव, तो ये जो फंक्शन है पॉलीनोमियल रैशनल फंक्शन हो गया। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइप है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन। तो एफ कोई फंक्शन है आर टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स, इसको हम मोड एक्स बोलेंगे। मोड एक्स कैसे बना, रूट एक्स स्क्वायर को हम लिखते हैं मोड एक्स, रूट एक्स स्क्वायर को लिखते हैं मोड एक्स। मोड एक्स हमेशा पॉजिटिव फंक्शन होता है, जब हम मोड को मतलब नॉन नेगेटिव
मोड एक्स हमेशा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव मतलब नॉन नेगेटिव फंक्शन होता है, नॉन नेगेटिव बोलेंगे, पॉजिटिव नहीं बोलेंगे, नॉन नेगेटिव बोलेंगे। नॉन नेगेटिव में जीरो काउंट हो जाती है, पॉजिटिव बोलेंगे तो वन से स्टार्ट करना पड़ेगा हमें, जीरो से ग्रेटर वैल्यू लेनी पड़ेगी, नॉन नेगेटिव वैल्यू है। तो मोड एक्स को हम जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिख देंगे, एक्स एक्स वैल्यू देगा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और माइनस एक्स वैल्यू देगा एक्स लेस देन जीरो। आप पुट करके देखो, इसके अंदर एक्स की छोटी वैल्यू पुट करो, जीरो से छोटी वैल्यू पुट करें तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव बना दिया, जो बड़ी वैल्यू पुट करो पॉजिटिव। तो मीन्स कहने का मतलब क्या, यदि मोड के अंदर टू पुट किया तो टू आया, माइनस टू पुट किया तो टू आएगा, थ्री पुट करोगे तो थ्री ही आएगा, और माइनस 3.5 पुट किया तो वैल्यू 3.5 देगा। मोड से जब भी हम बाहर वैल्यू निकालते हैं तो वो ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देता है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, अब बनाते हैं इसका ग्राफ। तो सबसे पहले हम टेबल बना लेते हैं। देखो, जीरो पुट करोगे तो जीरो इसके लिए यहाँ आएगा, जीरो। वन पुट करोगे जीरो से बड़ी वैल्यू वन, टू पुट करोगे तो जीरो से बड़ी वैल्यू टू, माइनस वन पुट करोगे जीरो से छोटी वैल्यू तो माइनस माइनस प्लस वन हो गया, माइनस टू पुट करोगे तो टू। ग्राफ बनाओगे, एक्स एक्सिस, y एक्सिस, जीरो वन टू थ्री, माइनस वन माइनस टू, वन टू माइनस के, माइनस वन माइनस सॉरी प्लस प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री। देखो, जीरो पुट किया तो जीरो, वन पुट किया तो वन, टू पुट किया तो टू, तो ये ग्राफ बनाएगा ऐसे। अब माइनस वन पुट किया तो वन आएगा, माइनस टू पुट करोगे तो टू, ये इस टाइप से। तो इसको हम बोल देंगे y इक्वल टू मोड x, ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू मोड x। अब डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन ऑफ f। देखो, डोमेन में क्या है, x की वैल्यू पॉजिटिव पुट कर सकते हैं, नेगेटिव पुट कर सकते हैं, क्योंकि ग्राफ बनता हुआ, तो डोमेन हो गई r। रेंज क्या हो जाएगी, देखो नीचे की साइड कोई ग्राफ नहीं है, अपर अपर है, तो R पॉजिटिव, तो रेंज क्या हो जाएगी, R पॉजिटिव, मतलब ओनली पॉजिटिव वैल्यू, रियल नंबर सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, तो ये हो जाएगी रेंज। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है सिग्नम फंक्शन। ये आपके लिए बिल्कुल नया होगा सिग्नम फंक्शन, क्योंकि अब तक जितने किए हैं ये आपने पहले लगभग कर लिए होंगे। सिग्नम फंक्शन ये एक स्पेशल टाइप होती है, एफ कोई फंक्शन है आर टू आर, एफ कोई फंक्शन है आर टू आर, मैपिंग एक स्पेशल काइंड, यही है स्पेशल काइंड। वन आएगा इफ एक्स जीरो से बड़ा होगा, जीरो होगी एक्स इक्वल टू जीरो पे, और माइनस वन होगा एक्स लेस देन जीरो पे। तो ये है सिग्नम फंक्शन, इसी को बोलेंगे सिग्नम फंक्शन। ठीक है, ये आया कैसे है, मोड एक्स बाई एक्स टाइप से हमने इसको कन्वर्ट किया है। अंडरस्टैंड, इस फंक्शन को हम सिग्नम फंक्शन बोलते हैं। तो देखो ये कैसे देगा ग्राफ, जीरो वन टू थ्री, माइनस वन माइनस टू सॉरी प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री, वाई एक्स नेगेटिव एक्स पॉजिटिव, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री। देखो पुट करते हैं, सबसे पहले हमने पुट किया जीरो, जीरो पे जीरो दिया, ये ग्राफ बन गया। जीरो से बड़ी कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो मतलब जीरो के ऊपर वन के ऊपर ओपन लगा देते हैं ना, वन के ऊपर ओपन लग गया। अब जीरो से बड़ी वन पुट किए तो भी वन आएगा, जीरो पॉइंट वन पुट करे तो भी वन आएगा, मतलब वन से स्टार्ट होगा, ये ग्राफ दे देगा। अब जीरो छोटी पुट करोगे तो हमेशा ये ग्राफ दे देगा। तो इसके ऊपर ओपन ओपन सर्कल क्यों लगा, क्योंकि माइनस वन कहाँ नहीं होगा, जीरो के ये जीरो के लिए लाइन होगी ना, जीरो के ऊपर माइनस वन नहीं होगा और जीरो के ऊपर नहीं प्लस वन होगा, इसलिए ये ओपन। जीरो से लेस के ऊपर माइनस वन वैल्यू देगा, जीरो से ग्रेटर के लिए प्लस वन ग्राफ देगा। तो डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन तो आर हो गई। रेंज क्या हो जाएगी, रेंज के अंदर केवल तीन एलिमेंट आ जाएंगे, क्योंकि रेंज तो केवल यही दे रहा है ना, वाई की वैल्यू देखो जीरो आ रही है, वन आ रही है, वन आ रहा है और माइनस वन आ रहा है, वाई की जो वैल्यू होगी वही रेंज में आएगी। नेक्स्ट है लास्ट है फंक्शन में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। वैसे तो बहुत सारे रह जाते हैं लेकिन आपके जो टॉपिक में हैं ये यही हैं अभी तक, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन।
ये भी एक स्पेशल टाइप है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ को इफ मैपिंग है आर टू आर, एफ एक्स को हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स बिलोंग्स टू आर। तो ये फंक्शन एक इस टाइप का फंक्शन है, यदि हम इसके अंदर टू पुट करेंगे, ये ग्रेटेस्ट मतलब अपने से छोटा एक इंटीजर वैल्यू देगा, लेस देन एंड इंटीजर वैल्यू, तो इसलिए इसे ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलते हैं। 2.3 जैसे 2 देगा, 2.9999 है ये, तो भी आपकी वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। ये मैंने लिख दिया 3.2, तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मैंने लिख दिया -1, तो क्या देगा, -1। -1.2 तो क्या हो जाएगा, -2, क्योंकि इससे छोटा इंटीजर क्या है, -2 है ना, तो इसलिए ये एक स्पेशल टाइप का इंटीजर हो जाएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में -1 कहाँ कहाँ पर आएगा, -1 4, -1 लेस देन एक्स लेस देन 0, मतलब 0 से छोटा और -1 तक, और -0 कब आएगा, 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 1, 1 कब आएगा, 1 लेस देन एक्स लेस देन 2 तक, अंडरस्टैंड। तो इसका हम ग्राफ बना लेते हैं, 0 1 2 3 1 2 3, -1 -2, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, -1 -2 -3। देखो हमारे पास -1 वैल्यू आई, -1 से 0, तो 0 से छोटी वैल्यू, और कहाँ तक पुट किया हमने, -1 तक। 0 से -1 वैल्यू पुट करें तो हमारे पास वैल्यू क्या देगा, 1 देगा, माइनस का 1। इसके ऊपर ओपन लगा देते हैं, तो यहाँ तक हमारे पास वैल्यू देगा, अंडरस्टैंड। 0 कब आएगा, यहाँ 1 के ऊपर ओपन लगा देते हैं, मतलब जो एक्स की वैल्यू है ना, ये वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ तक आएगा, फिर ये वैल्यू, मतलब क्या है, 1 के ऊपर 1 आएगा, 1 से बड़ी वैल्यू कोई भी देंगे तो 1 ही आएगा 2 तक। सेम हियर, 3 नहीं देगा 3 के ऊपर, 3 देगा 3 के ऊपर, और ये आएगा। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, ये आपका टॉपिक है, 2 के ऊपर 2 आ जाएगा, जैसे 2 के ऊपर 2 आ जाएगा, यहाँ पर कर लोगे। नेक्स्ट है, हाँ इसमें डोमेन और रेंज कर लेते हैं। डोमेन क्या है इसकी, डोमेन आर, रेंज क्या है इसकी, इंटीजर, मतलब इंटीजर, सभी इंटीजर। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, ये बेसिक लगभग कंप्लीट हो चुका है, टाइप ऑफ फंक्शन, और जो बचा है बेसिक वो कल करते हैं। थैंक यू, गुड डे एंड हैव अ नाइस डे।